देवाजी, आपकी चोट कैसे लगी? मैं गिर गई। कहाँ? खेलो चाचे। कैसे गिरी? देवांशी, ऐसे गिरी हो? भैया कैसे लगी? मैंने गिर गया था। भैया आपकी चोट तो लगी? देवांशी, मैं नीचे गिर गया था। हेलो गाइस, आपकी आंख कैसे लगी? देखो ये। हे गाइस, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, हमें सुबह सुबह हेलीकॉप्टर मिल गया और हम ना जल्दी जल्दी तैयार होकर भाग के आ गए। चलो चलो चलो। हमें सुबह 5 बजे कॉल आया कि आपके लिए हेलीपैड हो चुका है, तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते, जल्दी से जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हेलीकॉप्टर में ऐसे केदारनाथ को देखना। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए लाए हैं। चल मेरा बच्चा, हेलीकॉप्टर में जाएंगे। राशि पकड़। रुद्रांश रुद्रांश। ओहो दिवांशी। मेरी दिवांशी ने जेब में हाथ रखे। दोस्तों अभी हम लोग केदारनाथ में हैं और हम ना जल्दी बाजी में ना हेलीपैड के सामने आ रखे हैं। हमारी टिकट हो चुकी है, देखते हैं नंबर कब आता है हमारा। और अभी हम लोग ना गरम गरम पानी पी रहे हैं। मैंने इसको बोला क्या चाहिए, बोले रोटी। गरम गरम पानी। हमारा हेलीकॉप्टर में बैठने का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा फैमिली के साथ। वैसे अकेले भी नहीं बैठा मैं, तो बहुत मतलब मजा आने वाला है। और आज पहली बार 5 बजे उठ गए हम लोग। हाँ, 5 बजे सुबह सुबह उठ करके यहाँ पर आ गए हैं केदारनाथ की घाटियों में। यहाँ पर ना बहुत बड़ी लाइन लग रखी है टिकट काउंटर में, जो भी हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। और हमको ये मौका मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। थैंक यू सो मच। केदारनाथ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और मैं क्या बोलूँ, मेरी देवांशी और रुद्रांश हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। और ये बंदरू भी बैठेगा। ये बंदरू सुबह पाँच बजे मैंने आज इसे उठाया। मैंने उठाया था आपको उससे पहले, मैंने कहा कि उठ जाओ एडिटिंग करो। जैसे ही मुझे कॉल आया ना यहाँ से, मतलब टिकट काउंटर से, कि आपका नंबर आने वाला, जल्दी आ जाओ, मैंने रास्ते को ऐसे उठ 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 जा। दोस्तों जो आप ये शानदार हेलीकॉप्टर देख रहे हो ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर कहते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं। जब भी हमारे देश में बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं ना, जैसे कि बाढ़ आना, तूफान आना, भूकंप आना, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में लोगों के लिए सहायता भेजी जाती है और ज़रूरत के सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। ये हेलीकॉप्टर एक ही बारी में 11,000 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं और 50 से भी ज़्यादा सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। है ना कमाल की बात। दोस्तों आपने केदारनाथ में बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे, जेसीबी देखी होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी, तो उन सभी के पार्ट्स को ना इन्हीं चिनूक हेलीकॉप्टर में लाया जाता है और बाद में इंजीनियर ना उन सभी पार्ट्स को असेंबल करके ट्रक्स और जेसीबी बनाते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हमको इन हेलीकॉप्टर्स को सामने देखने का मौका मिला। जितने भी लोग अपनी जान में खेल करके इन हेलीकॉप्टर्स में काम करते हैं ना, उन सभी को हम दिल से सल्यूट करना चाहेंगे, सलाम करना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और आभारी हैं कि दिन रात एक करके वो हमारी मदद करते हैं। जितना भी बोलेंगे वो कम है। हर हर महादेव। जय हिंद।
दोस्तों हम एक होटल के सामने बैठे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बंकर बेड्स कैसे होते हैं। ये देखो, ये इस तरीके के होते हैं बंकर बेड्स। नीचे भी एक आदमी सो सकता है, ऊपर भी एक आदमी सो सकता है। ये देखो, हे गाइस, इनको बंकर बेड बोलते हैं। नीचे भी सोते हैं, ऊपर भी। ओह माय गॉड, शाबाश शाबाश। दोस्तों हमारा प्लीज आना मेरे हाथ थक रहे हैं। दोस्तों हमारा हेलीकॉप्टर में नंबर पता नहीं कब आएगा, लेकिन अगर आप केदारनाथ आते हो ना, जैसे आजकल हम आ रखे हैं, तो अगर आप होटल लेते हो इस तरीके का जिसमें बंकर बेड होते हैं, तो आपको एक जने का 1,000 रुपये देना पड़ेगा। मैंने किसी से पूछा था तो 1,000 रुपये एक जना। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि पर पर्सन 1,000 रुपीज। तो एक नीचे सोएगा, एक ऊपर सोएगा, ऐसा होता है। आपको ना हॉस्टल की याद दिला देगा, कॉलेज लाइफ की। कोई ऊपर सोएगा, कोई नीचे सोएगा, है ना। फेवरेट, पहली बार देखा है। बर्फ पड़ रही है ना। दोस्तों हम लोग हेलीपैड में जा रहे हैं और भाई जी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। कोई बात, भाई का नाम यस तो बहुत अच्छा लगा। बर्फ पड़ रही है, शर्मा आ रहे हैं, देहरादून के हैं। हाथ तो मिलाओ। हमने चाय नाश्ता सब कर लिया साथ में। बर्फ पड़ रही है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी हो रही है। देखो शर्मा आ रहे हैं। क्या करें, हम सोचे हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है और पहाड़ों में तो बहुत तेज बर्फ पड़ने लग गई है। देखो तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। सदियों से दिल को मेरे तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लगा मेरा मजा। ए गंजू, मेरी गंजू के बाल आने लग गए, देखो। कैसा लग रहा था हेलीकॉप्टर में? गंदा। क्यों? क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता। अरे दोस्तों, अभी हम लोग केदारनाथ से हेलीकॉप्टर में फाटा एक जगह है वहाँ आए हैं, और केदारनाथ में ना बर्फ पड़ रही थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप लग रही है। आंख भी नहीं खुल रही मेरी, तो ऐसे करके बोलना पड़ रहा है। इधर इधर देखते, इधर आगे आगे। दोस्तों अभी हम खाना खा रहे हैं। सब्जी, तुम खाओ। अभी हम लोग अखरोट के पेड़ के नीचे खाना खा रहे हैं दोस्तों, और हमारा एक बैग ना सोनप्रयाग में छूट गया है, तो उसको वापस लाना है। कैसे लाएं? क्योंकि हम लोग सोनप्रयाग जाएंगे ना, तो हमको उल्टा पड़ेगा। 14 किलोमीटर दूर है यहाँ। Hey guys, जहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर रुका था ना, वहाँ पे हमने अपने लिए होटल ले लिया। और देखो कितने सारे अखरोट के पेड़ है। यहाँ पे हम सो
नहीं ये नहीं ये नहीं ये जो होटल है ये फाटा के पास एक गांव है जामू, वहाँ पे है जामू। जामू यहाँ पर बहुत सारे माखू मक्खी भी है, यहाँ पर मक्खी भी है, यहाँ पे बहुत सारी मक्खी भी है, यहाँ पे अखरोट के पेड़ भी है ढेर सारे। हगोरी मुखड़ी सजीली ना तमकी ना तुली बली लगी दी गाल मा होलू काल तिल मेरो दिल की हर लुटी गे। गर्म पानी लगा दिया मैंने, ठीक है बच्चे लोग नहा लेते हैं, हम भी नहा लेंगे क्योंकि हम लोग 3 दिन से नहीं नहाए हैं। हाँ। वही कपड़े पहने हैं। यस ये गंदी बात है ना, चलो नहा लेते हैं। हे गाइस मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ अंदर का। इस क्या है, क्या है पीछे? पीछे कॉकरोच है, कॉकरोच कॉकरोच खा जाएगा इसको। देवू कॉकरोच खा जाएगा। ये क्या है, ये देख ये क्या है, क्या है ये? कॉकरोच। तो बाहर मत निकाल देवू, बाहर मत निकाल इसको। देवू टॉफी खाएगी, चॉकलेट, किटकैट, किंडर जॉय। चल पहले इसको पीछे कर, तब क्यों नहीं दे रहा? बुल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बोलो अच्छा। ओ माय गॉड, राशि क्या है पता नहीं है। दोस्तों कमेंट करना ये कौन सा कीड़ा है। हड्डी वाली कीड़े। हमें इस कीड़े को भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी के कान में घुस सकता है या किसी को काट सकता है। इसको बाहर करो। रंगीला है, रंगीला। हमने इसका नाम भी रख दिया दोस्तों, रंगीला। क्या नाम रखा इसका? रंगीला। जाओ 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 फेंक के आ जाओ। अरे देवान से नीचे यार, बैठ के नीचे चला गया। रात को हम सोएंगे ना तो फिर काटेगा वो। नहीं काटेगा। नहीं उसको भगाओ। मैं नहीं भगा रही, तुम खुद यार राशि है तो तूने ना नहीं भगाना चाहिए था उसको। अभी दीवार में था, उसको बाहर कर देना था ना। अरे वो इधर भाग गया तो मैं क्या? बच्चों को काट सकता है वो। अरे नहीं काटेगा यार। पापा भाग गया क्या है? रंगीला भाग गया। चलो मैं अब काम करता हूँ, ये लोग आराम करेंगे थोड़ा। और बाहर देखो बारिश आने वाली है दोस्तों, बाहर बारिश आने वाली है। दरवाजा बंद कर दो। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है नया दिन और मेरे हस्बैंड ना कल रात को 2 बजे आए थे क्योंकि काफी जाम लगा हुआ था, तो मिलवाती हूँ आपको मेरे हस्बैंड से। 2 बजे कहाँ से आया था? मेरे हस्बैंड सोनपरिया गए थे ना, मैंने आपको बताया था, तो वहीं से ये 2 बजे आए थे। कितना जाम लगा था? 14-15 किलोमीटर था और उसी में लग गए हमको 6-7 घंटे, आधा पैदल भी गए। और मेरे हस्बैंड ना 4 किलोमीटर पर पैदल भी गए। और यहाँ पे ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। 2 किलोमीटर मतलब गया, 2 किलोमीटर आया, हमने कार को 2 किलोमीटर कार को कहीं पर रोक करके 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, 4 और आधा सफर ट्रैफिक में। और मेरे हस्बैंड ना कल सुबह भी नहीं सोए थे, सही थे कोई नहीं।